तो हमारे कलाकार अभी ऐसे मूड में हो रहे हैं, मस्ती कर ले। हम ग्राउंड पे और हमारे भाई जो बहुत प्यारे प्यारे भाई हैं, चार भाई हैं और वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। चार पांच दिन से लंका तैयार कर रहे थे, जैसे कि अभी सूरज भाई हैं यहाँ पे, राहुल आशुतोष भाई हैं और अभी मैं आपको लंका भी दिखाऊंगा। पहले मैं बंदों को दिखा दूँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये है हमारे दुर्गा भाई, तो इन्होंने बनाई हमारी पूरी लंका और अभी लंका तैयार हो रही है। अब आपको दिखाता हूँ मैं पूरी लंका कैसी है, कैसी दिख रही है अंदर, मतलब देख लो फुल बम ही बम है ठहरे में। और अभी बहुत कुछ इसमें और रखा जाएगा, तो सोने की लंका ऑलरेडी तैयार हो रही है। अभी ऊपर से भी पूरा दिखाऊंगा सोने की लंका, ये अभी रेडी हो रही है पूरी तरीके से। ये भी हमारे कलाकार लगे पड़े हैं जो सोने की लंका को तैयार करते हैं। देखो पूरी आज चलेगी सोने की लंका, जो कुबेर जी ने शायद मेरे हिसाब से कुबेर जी ने बनाई है, बाकी तो पता नहीं, जो दोबारा बनाई जाएगी। चलिए अभी अभी लंका को उठा लिया गया है और आज ये हनुमान जी लंका जला देंगे। ये स्टेज पे नहीं जलाया जाएगा, ये जलाया जाएगा साइड में, पता चला। और लंका अभी तैयार हो रही है और एक एक बंदा और है, मैं चाहूँगा कि लंका में जब भी आग लगाई जाए, जब हम लंका के बाहर रहें। मैं भी अपनी सीता माता को आपको, मैं अपनी सीता माता को ढूंढने आया हूँ लंका में। मैं लक्ष्मण, आपका प्यारा लक्ष्मण, और मैं बस ये बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखाई जा रही है और दिखाते रहेंगे, तो इससे 10 दिन के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी। आज आपको बम दिखाता हूँ, फुल बम लटक रहे हैं। लंका ऐसी उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। हर जगह पे हर पार्ट में बम लगाया गया है ताकि आग लगते के साथ ही फटे, चितड़े चितड़े उड़ जाएंगे लंका के, लंका दोबारा बन सके। लंका दोबारा बनी नहीं सकती, जो जल गया वो समझो गल गया। तो हमारा लाइफ जो चलाते हैं वो ये भाई हैं, बहुत अच्छा लाइफ चलाते हैं। और तो कोई नहीं, कोई और पता क्या करा गया है, रॉकेट लगाए गए हैं हर जगह पे, जैसे रॉकेट फटेंगे तो सारी तरफ चारों तरफ जाएंगे रॉकेट हमारे, और हो सकता है इनके इधर भी आ सकता है रॉकेट। तो स्टेज के नीचे हम तो बक्के रहेंगे, बाकी जनता के बीच में जाएंगे आज ये रॉकेट। अच्छा ये ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ आग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज हम रोली नहीं कर रहे, आज राम लक्ष्मण उतरेंगे ही नहीं। हेलो दोस्तों, आज है हमारी रामलीला में क्या होगा, आज जलेगी जलेगी आज लंका, और हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। आज लंका दहन होगी और कॉमेडी होगी हमारी, तो हमारे डायरेक्टर साहब आज कॉमेडी देंगे, ज्यादा लाइव आए। और ये लंपटिया जो एक थे उनकी तरह लग रहे हैं, पूरे कॉमेडी मैन, ज्यादा हमारी हमारी छमिया आज लाइव आना और हमारी कॉमेडी देना, हमारी छमिया और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और तो हमारी छमिया की बहन। तो लगभग सारे लोग अपने रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। आज राम लक्ष्मण का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आज हमारा एक्ट ऐसी जगह पे ख़त्म होगा जिस जगह पे राम लक्ष्मण का कोई रोल है ही नहीं, इसीलिए आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो दोस्तों आज मैं संभालूँगा स्टेज और बनाऊंगा थोड़े बहुत ब्लॉग्स जो आपको अभी मैं बीच में दिखाऊंगा। जब आप लोग उसको देखोगे तो आपको ही पता चलेगा जो एक्टर्स हैं उनका कितनी मेहनत लगती है बनाने में। चलिए तो मैं ले चलता हूँ अभी आपको विभीषण जी के पास। सीता माता भी तैयार होने की कोशिश कर रही हैं, अभी ऐसे ही घूम रही हैं, और मैं मिलता हूँ। अभी कौन हो आप, अभी पता नहीं है आप। हनुमान भाई, हनुमान भाई, विभीषण आप इधर आओ। हाँ तो आज आप बताओ कि राम के प्रति आप क्या क्या बोलने वाले हो और रावण की कितना चिल्लाने वाले हो। आज हनुमान से भेंट करूंगा, बोला वाला था हमारे प्रिय हनुमान जी आएंगे और मैं उनसे यही वार्तालाप करूंगा कि हमारी जो सीता माता है उन्हें जा कर के राम के पास सौंप दिया जाए, और जैसा हमें लगे आता है वैसा ही करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ लगे, थोड़ा सा भी लगे, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारी मिस्टेक क्या है, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ये सारी आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। अभी ये सीता माता है, अभी जैसे अभी ऐसे घूम रही है, इनको बोलना चाहिए कि आप कमेंट करके सीता माता डालो। तो
ऐसे आप ऐसे कमेंट मत करना, मैं कमेंट सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप अच्छे कमेंट्स करो। हमारा भी हमारे ऐसे घूम रहे, कब तैयार होंगे नहीं पता। कल सुग्रीव थे वो बाली बने थे, बहुत अच्छा एक्ट था। और कौन है? हाँ भाई पुन्नी भाई भी हैं, थोड़ा सा मेकअप में लगे हुए हैं। तो देखना तुम क्या करने वाले हो, देखना तो हमारे और इनकी रावण की जाएगी, रावण की लंका जलेगी, उसमें कैसा दर्द होगा आपका जरा दिखा दो हमें। स्टेज पर दिखाइए। तो मेघनाथ कल हमसे करने वाले हैं भाई, और हमें करेंगे सबकी आवाज बैठ चुकी है। हनुमान जी हमारे मुझे पता भी नहीं, कपड़े नहीं पहने अभी, किंतु वो अपने रोल की करने हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों बस इतना बोलूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तो बस हम आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखाते रहेंगे पूरा। अभी थोड़ी देर में लंका लगभग तैयार हो चुकी है, सजाई जा रही है, आज जलेगी लंका, जलने का दिखाया जाएगा। और मजे ले रहे हैं थोड़ा सा माइक कमली कहानी बैठ लोग आ रहे हैं हमारे परशुराम, और कुछ कर नहीं रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं। ये माइक हमें दे दो जब तक थोड़ी देर, हम मैं भी छोड़ूंगा। उस फल खाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। तो आप लोग जो खड़े रहेंगे वहां तक पता नहीं फल पहुंचे या ना पहुंचे। आज बहुत कुछ होने वाला है जबरदस्त, जैसा कि लंका जलेगी आज, और पूरी वाटिका का हनुमान जी उतार के डांस डांस करके चले जाएंगे माता सीता जी के पास। और हाँ एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगर कोई वाटिका के लिए फल देना चाहता है तो वो दे सकता है। भगवान श्री राम के नाम पे अगर कोई फल चढ़ाना चाहता है तो वो चढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद खाने वाले भक्त बहुत सारे होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर किसी का मनोकामना से अपनी इच्छा से फल देने की इच्छा है तो वो यहाँ पर स्टेज पे आकर दे सकते हैं। परंतु ऐप के साथ होने के बाद आप हो चुके हैं और हमारे गणेश जी तैयार हो गए थे, और अब हम लीला का मंचन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो गणेश जी से आपका दिन का शुभारंभ करता हूँ और ले चलता हूँ आगे। और ये मेरा भाई है जो बहुत सारी चीजें संभालता है स्टेज पे, प्लस लाइव को भी यही संभाल रहे हैं। थोड़ी सी मिस्टेक वो इनकी नहीं है, वो कैमरे की मिस्टेक हो रही है, तो आप परेशान मत होना, भैया जी को गाली भी मत देना। चलिए चलते हैं आगे। तो हमारे कलाकार भी ऐसे मूड में हो रहे हैं, मस्ती कर ले। प्रभु राम का नाम सुनकर कौतूहल ही यह मेरी इच्छा हुई जानने को, इसी वजह मैं आपके पास आया हूँ राजन, कृपया मुझे अपना परिचय प्रदान करें। जय राम जय राम जय जय। लंका दहन की तैयारी हो रही है, हनुमान जी वहां पहुंचे हुए हैं। एमबीए का मतलब है मिनिमम लागत में मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम से कम खर्च किया जाए और अधिक से अधिक आमदनी लाई जाए, नहीं काम किया जाए। अब हनुमान जी क्या करेंगे, रावण की लंका, रावण का तेल, रावण की बाती, रावण की माचिस, रावण की कपड़ा और सब कुछ उन्हीं का होगा, और क्या करेंगे उसी रावण की सोने की लंका जला देंगे। एक रुपया खर्च नहीं हुआ रामा दल का, और पूरा काम करके चले आए। बताइए इनसे बड़ा एमबीए कौन हो। दूसरा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि देने
जिनके अंदर भावना, जिनके अंदर शक्ति है, वो ऐसे हनुमान जी। और इन्होंने एक भाव और प्रकट किया है, यह बात आप सुन लेंगे तो इस रामलीला का बहुत कुछ आपको मिलेगा। हनुमान जी जब लंका से सीता माँ की खोज करके रामा दल में आते हैं, और रामा दल में आने के बाद सभी लोग हनुमान जी की जयकार कर रहे होते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कितना बड़ा काम किया है। मैं इस कमेटी के तमाम कलाकारों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जब कुछ करते हैं तो उसको ये नहीं करना है कि हमने ये किया है, ये मैंने ये किया है, ये कोई करवाने वाला इसलिए हो रहा है। पिछले साल जब गली के अंदर रामलीला हुई थी तो मैंने भी कुछ पाठ किया था। अब की बार मुझे दशरथ का रोल यहाँ होगा, जनक का रोल करना था, लेकिन मेरी एक महीने से हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी लगी हुई है, मैं बीच में एक दिन दो दिन के लिए आया था। उद्घाटन जो मेरा सूत्र है, मैं सूत्र के लिए चढ़ के और हर जगह अलग जगाऊंगा। ये भोकनपुर के लिए एक ग्राउंड से जनता आती रही थी, हम दूसरी लीला करते हैं और उसके लिए हमें जगह आवंटित की जाए। सबकी ताकत रहेगी तो सरकार की भी ताकत रहेगी। जिस दिन आप चाहोगे उस दिन आपको रामलीला का समाधान मिलेगा। और ये गत वर्ष ऐसे ही हमारे बच्चे इकट्ठा रहे तो रामलीला हो गई है, खत्म, साकुशल रहे, जल गई है लंका, अपने अपने काम में मस्त रहे। लंका दिखाई नहीं मैंने जलते हुए, आज दिखा दी। आने के समय के लिए जो है बहुत धन्यवाद, वो जल रही है लंका। भाई दोस्तों, लंका हो गई है समाप्त जल के, और आज मेरा रोल नहीं था तो पूरी पब्लिक को संभाला मैंने, और हालत हो गई है ख़राब पब्लिक से। कुछ पब्लिक है जो शांत बैठी हुई है, बाकी बच्चों ने तो बहुत हालत ख़राब करी है। ये देखो कितने शांत बैठे हुए हैं ये लोग, बाकी लोग तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। हाँ, तो रावण जी की हालत हो गई है धुएं से खराब। रावण 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 है तू, किसने मेरी लंका जलाई, उस बानर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले युद्ध में आप देखेंगे उस बानर को मैं कैसे। भाई अरे ये पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न वाला नीला के बंदों को कुछ खिलाते ही नहीं है, ठीक है देख लो भाई। भाई शर्म नहीं आती आपको, ठीक है आती है। पैकेट दियो, अरे यार एक और डाल दो यार, पूरा पैसा लेते हैं, पैसा कम नहीं करते सारे लेके जा रहे। चलो कोई नहीं, उनका हक है। तो आज की पार्टी मूवी हो गई है खत्म, और ये हो रहा पॉपकॉर्न ला भाई, पूरा मंगाया जो आ रहा जय श्री राम। मंगायो और ये आज हमें बहुत बड़ा सम्मान मिला है, मान मिला है, और वो है राम जी की तलवार मिली है, और हमें हमें